हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, हम लोग एक इंट्राडे स्ट्रेटजी के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। बट स्ट्रेटजी को शुरू करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपसे डिस्कस करना चाहता हूं जो कि स्ट्रेटजी से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम उन चीज़ों को देखेंगे और उन चीज़ों को देख लेने के बाद, समझ लेने के बाद हम लोग स्ट्रेटजी के ऊपर चलेंगे और फिर स्ट्रेटजी को डीपली समझेंगे कि किस तरीके से हमको यूज़ करनी है मार्केट के अंदर, ठीक है। देखो, ये वाली जो स्ट्रेटजी मैं आपको बताने वाला हूँ ये किसी भी टाइम फ्रेम पर एप्लीकेबल होगी। तो आप लोग ये क्वेश्चन मत पूछना कि आपको कौन सा टाइम फ्रेम यूज करना है, बहुत लोगों को ये कंसर्न रहता है, इसीलिए मैंने आपको पहले बता दिया, ठीक है। तो स्ट्रेटजी से पहले हम जो चीज डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले हम उसको देख लेते हैं बिकॉज वो कहीं गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटजी से, ठीक है। तो अभी हम आ जाते हैं अपने ग्राफ के ऊपर। अब यहां पर मैं आपको बताता हूँ वो कौन कौन सी चीजें हैं। तो देखो, सबसे पहली चीज जो हमको देखनी है एक स्ट्रेटजी या फिर एक ट्रेड लेने से पहले, वो दो चीजें सबसे पहले आपको पहले से ही पता होनी चाहिए, वो है आपका SL एंड टारगेट, ठीक है। अब देखो, SL के बारे में आप समझो, SL आपको ऐसे ही नहीं लगा देना है, मतलब आप किसी भी जगह पर नहीं लगा सकते हो। आपको SL एक लॉजिकल जगह पर लगाना है जिसमें आपको ये दिमाग लगाना है कि SL मेरा ऐसी जगह पर होना चाहिए जिस जगह पर आकर अगर वहां तक ट्रेड आ गया, मतलब जो SL आपने लगाया है अगर मार्केट वहां तक आ गया तो ये मार्केट नीचे गिरेगा, या फिर ऊपर की तरफ लगाया है तो ये और ऊपर जाएगा, ठीक है। SL आपका ऐसी जगह होना चाहिए जहां से मार्केट अपना डायरेक्शन ही चेंज कर देगा, ऐसी जगह होना चाहिए। तो वहां तक आने में मार्केट को स्ट्रगल करना चाहिए, इस तरीके से आपको SL लगाना है, ठीक है। दूसरा जो टारगेट रहेगा, मैं आपको यह सजेस्ट करूंगा कि 1:1.5 या 1:2 तक आप टारगेट को लेकर जा सकते हो, ठीक है। और दूसरी बात, SL के साथ भी हम एक चीज और करते हैं, आपने मार्केट के अंदर सुनी होगी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। देखो, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है, बेसिकली मैं आपको समझा देता हूं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का मतलब यह है, मान लो आपने ₹50 पे सौदा खरीदा, ₹30 का आपने स्टॉप लॉस लगाया और ₹100 का फॉर एग्जांपल आपका टारगेट है, ठीक है। तो जब आपको दिखने लगा कि मार्केट, मान लो ₹50 जो आपका सौदा लगा हुआ था उससे मार्केट ऊपर जाने लगा है, ठीक है, अब मार्केट 70 के ऊपर जाके ट्रेड कर रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, जो स्टॉप लॉस आपका 30 पे लगा था अब उसको ले जाकर के आप 40 या 50 पर लगा सकते हो, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। इन चीजों को डिटेल में हम लोग समझेंगे। सबसे पहले चलो अब हम आ जाते हैं अपनी स्ट्रेटजी के ऊपर कि स्ट्रेटजी क्या होने वाली है। फिलहाल मैंने बैंक निफ्टी का 5 मिनट का टाइम फ्रेम ले रखा है, आप कोई और भी टाइम फ्रेम चाहो तो यूज कर सकते हो, ठीक है। मुझे सिर्फ एक इंडिकेटर की जरूरत पड़ेगी यहां पर, उसका नाम है पिवट पॉइंट। अब किस तरीके से यूज करना है, अभी उस चीजों को, सारी चीजों को समझाने वाला हूं, ठीक है। देखो, जब आप पिवट पॉइंट इंडिकेटर यहां पर अप्लाई कर दोगे तो आपको इस तरीके से 6 लाइंस दिखेंगी, 3 रेड कलर की 3 ग्रीन कलर की। अब देखो, जो ऊपर वाली लाइंस है इनको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं, रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2 एंड रेजिस्टेंस 3, ठीक है। नीचे वाली जो लाइन है उनको हम सपोर्ट बोलते हैं, सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3। इन रेजिस्टेंस को मैंने अपने जो प्राइस एक्शन वाला कोर्स वाली वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, उसमें भी इसको डीपली कवर किया है। और दूसरा जो मैंने टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर कोर्स निकाला है, कल परसों ही चैनल पर अपलोड हुआ है, उसमें भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ मिल जाएगा। अगर आपको डीपली समझना है इसको तो आप वो दोनों वीडियो जाकर देख सकते हैं, उनका आई थिंक लास्ट टॉपिक्स है दोनों वीडियो का, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर, ठीक है। तो उसको जाके आप देख लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। डिस्क्रिप्शन में दोनों वीडियो की लिंक दे दूंगा, दोनों देख लेना, ठीक है। देखो, अब ट्रेड किस तरीके से लेना है, ये आपने लगा दिया, आपको कुछ नहीं करना पड़ा, आपने पिवट पॉइंट इंडिकेटर सर्च किया और आपने अप्लाई कर दिया। अब देखो यहां पर क्या हुआ, हमको क्या चाहिए, ब्रेकआउट या तो रेजिस्टेंस का या सपोर्ट का। तो ब्रेकआउट जहां मिल रहा है उस जगह हम चलते हैं, वहां बताता हूं ट्रेड कैसे लेना है। यहां देखो, ये बीच में घूमता रहा, ब्रेकआउट नहीं मिला, साइडवेज टाइप मार्केट था, छोड़ दो। अब देखो यहां पर हमको, आपको दिख रहा होगा, ब्रेकडाउन मिला है कहां पर, ये इस तरीके से ऊपर से मार्केट आता है मूव करके और नीचे ये वाली जो पहला सपोर्ट है हमारा उसको ब्रेक करता है ये रेड कैंडल, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहां पर हमको वॉल्यूम कंफर्मेशन भी करना है। फ्यूचर्स का चार्ट नहीं है इसलिए यहां पर हमको वॉल्यूम नहीं दिखेगा, बट आप अगर किसी स्टॉक में ट्रेड कर रहे हो या फिर फ्यूचर्स के चार्ट पर आप जाकर देख सकते हो, यहां पर वॉल्यूम एनालिसिस आपको जरूर करना है। मतलब जो भी कैंडल आपका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे रही है उस पर वॉल्यूम चेक करो, वॉल्यूम अगर बढ़ा हुआ है तो कोई इश्यू नहीं है, अगर कम है तो वहां पर हमको ट्रेड अवॉइड करना है, ठीक है। अब देखो यहां पर हमको देखा एक अच्छा ब्रेकडाउन हुआ, रेड कैंडल बनी, काफी अच्छी रेड कैंडल है, हेल्दी कैंडल है, ठीक है। इसकी अगली कैंडल पर हम ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे और जिस कैंडल ने ब्रेकडाउन दिया होगा उसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, उसके हाई पर
अपना स्टॉप लॉस लगा देंगे, ठीक है। या तो हमको 1:2 या 1:1.5 जो भी आप अचीव करना चाहते हो, 1:2 लेके चलते हैं। चलो हमको या तो 1:2 या फिर ये जो सेकंड सपोर्ट है, इन दोनों में से जो पहले मिल जाएगा हम वो लेके निकल जाएंगे, ठीक है। अब देखो जैसे मेरा टारगेट था 1:2, तो यहां तो देखो 1:2 से पहले हमको ये वाला सपोर्ट मिल गया, तो हम क्या करेंगे, अपना जो टारगेट है वो सपोर्ट से सपोर्ट पर लगा देंगे। देख सकते हो अगली ही कैंडल ने हमको हमारा टारगेट दे दिया है, ठीक है। 5-10 मिनट का वेट किया, आपको आपका टारगेट मिल गया, जितना आपने पैसा लगाया था उससे डबल आपने कमा लिया, 1:1.85 के करीब आपको यहां पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिला है, ठीक है। यहां देखो यहां क्या हुआ, यहां पर आया, सपोर्ट लिया, फिर ऊपर चला गया, ठीक है। इस तरीके के छोड़ दो, अभी हम ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन की बात कर रहे हैं। अभी देखो यहां पर एक ग्रीन कैंडल से ब्रेकआउट हुआ है, बट ये कितना बजे हुआ है, 2:20 पे, बहुत लेट हो गया। आपको ट्रेड देखना है मैक्स टू मैक्स 12:30 तक, उसके बाद मत देखो, 12:30 तक एंड है, वहां तक आपको एक ब्रेकआउट मिल जाना चाहिए, क्योंकि भाई जब ब्रेकआउट होगा या ब्रेकडाउन उसके बाद भी तो आपको मूवमेंट चाहिए ना। अब मान लो 2 या 3 ब्रेकआउट हो रहा है तो कितना मार्केट ऊपर निकल जाएगा, थोड़ा सा जाएगा, आपको टारगेट मिलेगा ही नहीं। अगर मान लो आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होता तो आपका टारगेट भी हिट नहीं हो पाएगा अगर इतना लेट लोगे तो। चलो और देख लेते हैं, अभी हमारे पे एग्जांपल्स तो खत्म नहीं हो गए, ठीक है। ये देखो मार्केट नीचे से आया है, यहां नहीं तोड़ा, यहां नहीं तोड़ा, ये ग्रीन कैंडल ने तोड़ दिया, ठीक है। ग्रीन कैंडल के ऊपर हम लोग बाइंग परफॉर्म करेंगे, अगली कैंडल पर स्टॉप लॉस होगा ग्रीन कैंडल के लो के थोड़ा सा नीचे, 1:2 कहां अचीव हुआ हमको, कुछ यहां पर अचीव हो गया हमको, ठीक है, लगभग 3 से पहले हमको अचीव हो गया, ठीक है। अब देखो यहां तक नहीं ले सकते, इतना बड़ा टारगेट हम अचीव नहीं कर पाएंगे, इतना एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए। हमको 1:2 मिल रहा है, मैंने आपको दो चीजें बताई थी, या तो हमको 1:2 पहले मिल जाए या फिर जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस नियर बाय है, जो पास में है वो मिल जाए। तो यहां पर हमको 1:2 पहले मिला है तो 1:2 लेके हम निकल जाएंगे। और देख लेते हैं एग्जांपल्स की कोई कमी नहीं है हमारे पास, भर भर के एग्जांपल्स पड़े हुए हैं, पर भी एक ब्रेकडाउन हुआ है, बट देखो कितना बहुत कम स्पेस बचा है, तो इस जगह को हम अवॉइड करेंगे। अगला देखो यहां पर ब्रेकडाउन हुआ है, ठीक है, ये वाला ठीक है, बहुत स्पेस है नीचे तक देखो, तो 1:2 भी इजीली मिल जाएगा और ये भी अच्छा खासा स्पेस हमको मिल चुका है। तो हम क्या करेंगे, इसके अगली कैंडल में हम ट्रेड एग्जीक्यूट कर देंगे, इसके हाई के ऊपर हमारा होगा स्टॉप लॉस और 1:2 मिल गया हमको, ठीक है, 1:2 पहले मिल गया तो 1:2 लेके हम निकल जाएंगे, मतलब जितना हमने रुपए लगाया उसका दुगना हमने कमाया, खत्म। चल और आ जाओ, यहां पर नहीं हुआ है, एक यहां ब्रेकडाउन, यहां ब्रेकआउट जरूर हुआ है, बट ये पहली कैंडल में है तो पहली कैंडल में हम ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, हमको थोड़ा सा तो वेट करना पड़ेगा। यहां हमको ग्रीन कैंडल में मिला है तो ठीक है, हम यहां ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे ग्रीन कैंडल के ऊपर, बट इसने हाई तो तोड़ा ही नहीं है, यहां कहीं तोड़ा है, चलो यहां कहीं ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाता हमारा, स्टॉप लॉस होता हमारा कुछ ये, ठीक है, 1:1.2 यहां पर आया, ओके, नॉट एन इश्यू, हमको स्टॉप लॉस तो हिट नहीं हुआ और जितने पे हमने सौदा खरीदा था उससे ऊपर ही मार्केट बंद हुआ है, तो हमको 1:1 के करीब करीब प्रॉफिट हो जाता, उतना नहीं होता जितना हम लेके चल रहे थे, बट हमको ठीक ठाक प्रॉफिट हो जाता। चलो ठीक है, यहां पर आते हैं तो हमें ये देखो ये ब्रेकआउट मिला है ग्रीन कैंडल पर, ठीक है, ओके, तो हम क्या करेंगे, इस ग्रीन कैंडल के ऊपर बाइंग परफॉर्म करेंगे, इसका हाई तो टूटा ही नहीं है, कैंडल ने नहीं तोड़ा है तो विक ने तोड़ा है, तो अगला हमें यहां मिला तो इसके ऊपर ले लेंगे हम, ये ग्रीन कैंडल ने तोड़ दिया है, ठीक है, स्टॉप लॉस होगा हमारा इसके थोड़ा सा नीचे, 1:1.2, ओके, इस कैंडल पर अचीव हो गया, ग्रीन वाली कैंडल पर हमको टारगेट अचीव हो गया, ठीक है। अभी तक देखो इतने एग्जांपल दिखाए हैं, आपको एक भी लॉस देखने को नहीं मिला होगा, यहां से प्रॉफिट ही प्रॉफिट देखने को मिला होगा, बट अब शायद लॉस आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। मार्केट नीचे आता है, एक हेल्दी रेड कैंडल ये, ठीक है, इसने ब्रेकडाउन दिया, देखो ये वाली हेल्दी कैंडल नहीं थी, ये ग्रीन कैंडल ने तोड़ा है, देख रहे हो, ये हेल्दी नहीं थी, ये रेड कैंडल ने तोड़ा है, तो ये वैसे ही ब्रेकआउट थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, पर चलो मान लो किसी बंदे ने यहां भी ले लिया होगा तो उसका स्टॉप लॉस आज तो हिट होने वाला है, आज तो उसका स्टॉप लॉस हिट होगा, ठीक है। इतने सारे ट्रेड्स देखे उसमें से एक स्टॉप लॉस हमको यहां पर हिट होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है, यहां हमको कोई ट्रेड नहीं मिलता, पहली कैंडल ने ऊपर की तरफ तोड़ा है तो हम नहीं ले सकते, पहली कैंडल पर नहीं लेना है, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा हमको, ठीक है, 5वीं 6वीं या उसके बाद कोई कैंडल तोड़े तो ठीक है, बट पहली कैंडल को अवॉइड करो। यहां देखो ये वाली ग्रीन कैंडल ने तोड़ा है तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर वाली कैंडल पर ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, स्टॉप लॉस इसका शायद बहुत बड़ा हो रहा है, चलो ठीक है, यहां स्टॉप लॉस लगाया,
1:1.2 स्टॉप लॉस उसका काफी बड़ा हो गया था, बट फिर भी हमको मुझे लगता है टारगेट अचीव हो जाएगा। हाँ हो गया, देखो 1:2 कहां पर, ये रेड वाली कैंडल पर हमको टारगेट अचीव हो गया, ठीक है। तो आप देखो इतने सारे मैंने आपको एग्जांपल्स दिखाए, सिर्फ एक जगह हमको लॉस देखने को मिला है, बाकी सब जगह हमको प्रॉफिट ही प्रॉफिट देखने को मिला है। ये स्ट्रेटजी इतना अच्छा काम करेगी, आप कोई भी टाइम फ्रेम यूज करो। यहां पर मैंने आपको 5 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाया है, आप 15 मिनट भी कर सकते हो, ठीक है। कोई कोई लोग होते हैं जो 15 मिनट पर ही ट्रेड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो दोनों ही टाइम फ्रेम बेस्ट है, और भी कोई टाइम फ्रेम यूज करना चाहते हो तो वो करो, जिस पे आपको सूट करता है वो यूज करो। इस स्ट्रेटजी का बैक टेस्टिंग जरूर कर लेना, उससे आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, और एक बार कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा तो आप अच्छे से ट्रेडिंग कर पाओगे, ठीक है। और अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और ये वाली वीडियो नहीं देखी है अभी तक, जिसने टेक्निकल एनालिसिस फुल कोर्स वाली वीडियो, इसकी मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक लगा दूंगा, ये वीडियो जाके जरूर से देख लो, जरूर से देख लो। अभी 2 दिन पहले अपलोड की है और 2K व्यूज आ चुके हैं, 2K प्लस आ चुके हैं, यहां पर कम दिखा रहा है, ठीक है। तो इसको जरूर जाके देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है ये। अगर सीख लिया आपने तो आपको टेक्निकल एनालिसिस काफी अच्छा सीखने को मिल जाएगा। पहले मैं तो कहूंगा अगर आप यहां तक आ गए हो तो इसका मतलब आपने पूरी वीडियो देख ली है, अब जाके सीधा टेक्निकल एनालिसिस फुल कोर्स वाली वीडियो देखो। और ये वीडियो देखने के बाद प्राइस एक्शन के ऊपर वीडियो पढ़िए, ये लगभग 2 लाख से प्लस जा चुकी है ये वाली, ये देख लेना, आपका हो जाएगा, काफी अच्छा खासा आपको नॉलेज मिल जाएगी, ठीक है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकॉन को जरूर ऑन पर प्रेस कर देना, ठीक है। चलो ठीक है, मिलता हूं मैं अगली किसी धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।